आज से हम लोग UPTET और सुपर TET और CTET इन सभी के लिए जो मनोविज्ञान है उसका भूमिका जो है सबसे अन्य विषयों की भांति एक मानक विषय के रूप में समान अंकों का है। लेकिन अन्य जैसे सुपर टेट की बात करें वहाँ पे इसकी गरिमा कुछ और बढ़ जाती है, लेकिन UPTET और CTET में जितना स्थान हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी, उर्दू या अन्य लैंग्वेज के साथ साथ आप गणित, पर्यावरण का योगदान है, उतना ही मनोविज्ञान का योगदान है। और मनोविज्ञान हमारे लिए और आपके लिए उतना ही उपयोगिता इसकी पड़ जाती है। मनोविज्ञान की एक शाखा होती है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसका भी हमें आगे अध्ययन करना है। ये सबसे पहले हम लिखते हैं मनोविज्ञान, जिसकी आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, तो यही शुरुआत करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अगर नोट्स के मामले में देखा जाए तो दीपक सिंह जी का है, जिन्होंने काफ़ी मदद की है और उन्हीं के आधार पर हमें और मदद मिल गई है और हम आपके लिए एक बेहतर वीडियो लेकर आ पाए हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान की बात करते हैं। मनोविज्ञान जैसे ही हमारे जहन में आता है, ठीक, तो मनोविज्ञान के बाद जो अगला क्रम आता है मनोविज्ञान के विकास का क्रम क्या रहा। अगर मनोविज्ञान के विकास का क्रम पढ़ा जाए, सबसे पहले इसे आत्मा का विकास का अगर इसको क्रम पढ़ा जाए कि मनोविज्ञान के विकास का क्रम क्या था, तो यहाँ पे में कई बातें स्पष्ट होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर यह देखा जाए कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस व्यक्ति ने कहा, सबसे पहले अरस्तु ने कहा। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। कौन कहा? आत्मविज्ञान किसने कहा सबसे पहले? अरस्तु ने कहा। ठीक, फिर मन का विज्ञान, मन या मस्तिष्क, मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान। क्या आपको पता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान से किसने कहा था? पामोलाजी ने, पामोलॉजी, पामोलॉजी ने सबसे पहले मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान किसे कहा था? मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क विज्ञान पामोलॉजी ने सबसे पहले कहा था। फिर इसमें आता है चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो क्या आपको पता है कि चेतना विज्ञान सबसे पहले किसने कहा था? विलियम वुड ने। किसने कहा था? विलियम वुड ने सबसे पहले क्या कहा था? चेतना का। विलियम वुड अलग रहेगा ना। विलियम वुड ने सबसे पहले चेतना का विज्ञान कहा था। अगर हम देखें तो ये हो गया आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर आता है चेतना का विज्ञान, फिर इसी में एक क्रम आपका और आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसी क्रम हम लोग आगे पढ़ते रहना है, लेकिन थोड़ा जगह कम होने की वजह से चौथे क्रम को हम यहाँ से नीचे ले आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। वह क्या है? आपका व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? जेबी वाटसन ने। किसने कहा था? जेबी वाटसन ने कहा था। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान का जो विकास का क्रम है, जो विकास क्रम है, सबसे पहले क्या आता है? आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ठीक, किसने कहा था? अरस्तु ने। फिर हमने देखा मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? पामोलॉजी ने कहा था। किसने कहा था? पामोलॉजी ने कहा था। फिर हमने देखा मनोविज्ञान का जो विकासी क्रम था, फिर आता है चेतना का विज्ञान, तो चेतना विज्ञान का शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम वुड्स ने। किसने? विलियम वुड। फिर व्यवहार का विज्ञान किया था? जे बी वाटसन ने। इस प्रकार हमने देखा यह एक तरह से मनोविज्ञान का विकास का एक क्रम था जो हमने आपके सामने बताया और लिखा। इसी क्रम में हम लोग एक एक करके एक एक को पढ़ना शुरू करेंगे। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वह हेडिंग डालिएगा आप आत्मा का विज्ञान। तो हम इसे इरेज कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आत्मा के विज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान की का जो विकास क्रम है इसमें सबसे पहले आता है आत्मा का विज्ञान। तो आप भी परिचित हैं आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, तो जानते रहिएगा कि आत्मा का विज्ञान विज्ञान सबसे पहले अरस्तु ने कहा था। लेकिन अरस्तु के साथ साथ प्लेटो, डेकार्ते, रुडूप, गोयकल, इन सभी ने क्या किया था? इस शब्द का प्रयोग किया था।
ठीक, अगर उसमें भी देखा जाए तो जो रुडोल्फ है उन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। इसमें है आपका, और देखा जाए भाई प्लेटो के बारे में आगे आपको बताएंगे, प्लेटो का, प्लेटो, डेकार्टे, प्लेटो, डेकार्टे, ठीक, और रुडोल्फ गोइकल, रुडोल्फ गोइकल आदि ऐसे, या गोइकल, इन्होंने क्या है, ये इन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा था। लेकिन उसमें से भी जो रुडोल्फ थे, रुडोल्फ, इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? रुडोल्फ ने किया था। हमने ये देखा कि जो आत्मा का विज्ञान, जो हम लोगों ने इसका पहला पार्ट पढ़ा, आत्मविज्ञान किसने किया था? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ और गोइकल ने। इसमें से भी अगर हम ये देखेंगे कि रुडोल्फ ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब हम आते हैं अरस्तु को। तो अरस्तु जो है ये क्या थे? अरस्तु, अगर हम केवल अगर केंद्र में अरस्तु को रख दें तो आपको पता होगा ये क्या है, ये लगभग कई विषयों के जन्मदाता है। उसी के साथ साथ ये दर्शन शास्त्र के भी जन्मदाता है। किसके? दर्शन शास्त्र। ये क्या है? दर्शन शास्त्र के क्या है? ये जन्मदाता है। और आप ये भी जानते हैं कि दर्शन शास्त्र में क्या आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि का जिक्र किया गया। फिर यह है कि ईश्वर है या नहीं है, इसमें क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इसमें अगर देखा जाए, इनके आगे आगे अगर हम इसको देखा जाए, इसको हम दर्शन शास्त्र में देखा जाए कि मनुष्य और ईश्वर क्या है, मनुष्य और ईश्वर, मनुष्य और ईश्वर, मनुष्य और ईश्वर की इसमें क्या की गई, परिकल्पना की गई है। हमने क्या देखा कि क्या है, ये एक आत्मा का विज्ञान है। अच्छा एक डाल देते हैं। हमने देखा कि आत्मा विज्ञान अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ और गोइकल ने कहा था। उसमें भी हमने देखा कि रुडोल्फ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, और जो अरस्तु हैं ये दर्शन शास्त्र के जनक है। दर्शन शास्त्र में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि का जिक्र किया गया है। इसमें उद्देश्य क्या था? मनुष्य, ईश्वर, इन दोनों के बीच की कड़ी को ही सुलझाया गया है। और एक बात और भी याद करने योग्य है, मनोविज्ञान कि जो जननी है वो दर्शन शास्त्र को माना जाता है। माने इसकी, मनोविज्ञान की जो माँ है वो कौन है? दर्शन शास्त्र है। कौन है? दर्शन शास्त्र। इसलिए आत्मा का विज्ञान अरस्तु है और अरस्तु को ही माना जाता है। लेकिन सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ ने किया था। यहाँ तक कोई समस्या आपको हो तो बताइएगा, और साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी बनाते चलिएगा और एक क्रम से आगे भी बढ़िएगा, ठीक। अच्छा, शताब्दी वर्ष पूर्व, कई शताब्दियों तो मई कई सालों तक मनोविज्ञान को ही दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ही माना जाता था। माने जो मनोविज्ञान है उसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ही माना जाता था, क्योंकि हमने ये देखा कि जो मनोविज्ञान की माँ है वो कौन है? दर्शन शास्त्र है, ठीक। लेकिन आत्मा शब्द को आधार मानकर, लेकिन आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, देख रहे हैं ना, के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। इसके पहले क्या, इसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन पहली बार 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो जो तीनों लोगों ने, इन्होंने क्या माना? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था, वो तीन बंदे हैं आपको, एक हैं अरस्तु, फिर प्लेटो, फिर डेकार्टे। ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया था 16वीं शताब्दी में, सबसे पहले ये माना था। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? पांच ज्ञान इंद्रिया। पांच ज्ञान इंद्रिया कौन है? त्वचा, जीभ, आँख, कान, नाक। ये जो पांच ज्ञान इंद्रिया हैं, इन्हीं ज्ञान इंद्रियों को क्या माना गया था? आत्मा माना गया था। क्या? आत्मा। तो आत्मा क्या हो गई? इन्हीं पांच ज्ञान इंद्रियों को क्या कहते हैं? हम आत्मा कहते हैं, ठीक। अब अरस्तु के अनुसार आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। अरस्तु के अनुसार क्या करना चाहिए? आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। और आत्मा क्या था? मैंने आपको बता दिया। तो जरा आप बताइएगा, पांच ज्ञानेंद्रियों के नाम कौन कौन से हैं? पांच ज्ञानेंद्रियों के नाम आप बताइए क्या क्या हैं? तो उसी को उन्होंने क्या कहा था? आत्मा कहा था। देखिए, अरस्तु ने अंतःकरण का नियम, जबकि दर्शन शास्त्र ने के जो जननी है वो कौन है?
अरस्तु, अरस्तु को ही क्या कहता है, जनक माना जाता है किसका, दर्शन शास्त्र का, अंतःकरण का, इसको क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक, तो अरस्तु की बात जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो रुडोल्फ गोएकल को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये देखा था ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है जिसने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, रुडोल्फ गोएकल। रुडोल्फ गोएकल, ये कौन है, ये रुडोल्फ गोएकल है, रुडोल्फ गोएकल है जिसने सबसे पहले क्या किया था, मनोविज्ञान का प्रयोग किया था। ठीक, कब किया था, सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, रुडोल्फ गोएकल ने क्या किया था, सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, कब किया था, 1590 में, कब किया था, 1590 में इसका प्रयोग किया था। इन्होंने साइकोलॉजिया कहा था, क्या कहा था, साइकोलॉजिया। साइकोलॉजी क्या था, देखिएगा साइकोलॉजिया कैसे, साइकोलॉजी इन्होंने बताया था कि साइकी और लोगस से जो ग्रीक यूनानी का भाषा का शब्द है, जैसे ठीक आपको पता ही होगा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में देखेंगे तो यहाँ पे दो सबसे मिलकर साइकी और लोगस, कहाँ तक, साइकी और लोगस, इसको अगर देखना चाहें PSYCS, ये साइको हो गया। ठीक, अब ओल्गी क्या बना, साइकी और ओल्गस, इसको क्या बना, क्या बना इसका, साइकी, साइकी और ये ओल्गस, ओल्गस क्या है या ओगस शब्द से, साइकी और ओगस शब्द से मिलकर बना है, जो क्या था, ये कैसा था, एक ग्रीक यूनानी था, कौन सा भाषा था, ये ग्रीक यूनानी भाषा था। अगर इस भाषा को देखें तो ये क्या था, यह भाषा था ग्रीक। ठीक, साइकी क्या था, ग्रीक, मतलब ये दोनों अगर भाषाओं को हम मिला दिया जाए, इन दोनों को, तो ये हो जाएंगे ग्रीक और यूनानी, ये दोनों ग्रीक और यूनानी भाषा के शब्द थे जिनका जो अर्थ निकलता था वो आत्मा, इसका मतलब निकलता था आत्मा, साइकिक माने आत्मा, ओगस का माने आप तो जानते हैं अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक, हमने क्या देखा कि सबसे पहले कौन थे, रुडोल्फ गोएकल ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग 1590 में किया, इसमें साइकोलॉजी में साइकी और ओगस दो शब्दों से मिलकर बना, यह ग्रीक और यूनानी भाषा का शब्द था। और फिर हमने क्या देखा, साइकी माने आत्मा और लोगस माने अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना, या सबसे पहले इन्होंने यह बताया कि आत्मा, क्या बताया कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, क्या बताया कि आत्मा का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो क्या है, मनोविज्ञान है। कब बताया, 1590 में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन 1600 ईस्वी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया, क्या था कि 1600 तक आते आते माने 10 वर्षों के बाद ही आत्मा के विज्ञान को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। कारण क्या था कि विज्ञान किस पे होता है, प्रयोग पर होता है, मूर्त रूप में होता है, जबकि आत्मा क्या है, रूप प्रकार आत्मा अमूर्त, तो ये वैज्ञानिक ढंग से पूरी तरह से ना होने के कारण इसे क्या किया गया, पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया कि साइकोलॉजी एक आत्मा का विज्ञान नहीं है। कब, 16वीं शताब्दी आते आते, क्योंकि आप जानते हैं विज्ञान वही होता है जो सदैव दिखाई देता है, जिसके न मान कभी परिवर्तन हो, चाहे जैसे 2+2 अगर पृथ्वी पर 4 है, दुनिया के हर जगह चंद्रमा पर भी 4 होंगे, इसी प्रकार विज्ञान प्रयोग पर होता है, ये मूर्त होता है, दिखाई देता है, जबकि आत्मा रूप, कई रूप होते हैं, कई प्रकार होते हैं, ये अमूर्त होती है। ये वैज्ञानिक ढंग से न होने के कारण इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, अरस्तु जी ने किया था, इसे आत्मा का विज्ञान कहा था, उस आत्मा के विज्ञान का हम लोगों ने पूरी तरह से क्या किया, विश्लेषण कर दिया। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अगला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान, ये दूसरा टॉपिक हमने दिखा था, जो मनोविज्ञान क्रम का जो विकास पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क के विज्ञान के जनक कौन है, पोमोलॉजी। ये कहाँ के थे, इटली के थे, और इस शब्द का प्रयोग जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमसीड कई लोगों ने किया था। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दूसरा, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मन या मस्तिष्क भेद किसने किया था, पोमोलॉजी ने सबसे पहले क्या कहा था इसका, क्या था, ये कहाँ के थे, ये इटली के थे, कहाँ के थे, इटली के। बाकी अब इनके बाद देखिए जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमसीड, ये सब भी है ठीक। अब मस्तिष्क मतलब इन्होंने यह बताया कि मन मस्तिष्क एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है ठीक है। ये कहाँ के थे, इटली के थे। इन्होंने बताया मनोविज्ञान की भाषा में मन का अर्थ मस्तिष्क या मस्तिष्क का अर्थ मन से लगाया जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में मस्तिष्क का अर्थ मन से और मन का अर्थ मस्तिष्क से लगाया जाता है। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा समझते चलिएगा। मन का मस्तिष्क, मस्तिष्क का मन से लगाया जाता है। और उन्होंने बताया मन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं ठीक। इन्होंने भी ये बताया साइकी माने मन और लॉगस माने अध्ययन करना। तो ये भी अपने हिसाब से इसे परिभाषित करने का पूर्ण प्रयास किया। चलिए हम लोग भी देखते हैं ठीक है। तो कहीं कहीं देखिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वैसे इसको देखिए साथ साथ में अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदा करेगा ठीक। इन्होंने बताया दो शब्दों से मिलकर बना, यहाँ से फिर इन्होंने तोड़ा साइकी और लोगस, यहाँ से तोड़ा इन्होंने साइकी और यहाँ से लोगस। जैसा कि हमने इसके पहले हम लोगों ने देखा था साइकी का मतलब इन्होंने क्या बताया, इसका मतलब इन्होंने मन से बताया और इसका नाम इन्हें अध्ययन से बताया, अध्ययन से बताया। फिर हमने देखा क्या देखा कि मनोविज्ञान की भाषा में मन का अर्थ मस्तिष्क और मस्तिष्क का अर्थ मन से लगाया जाता है। माने मन का अर्थ मस्तिष्क से और मस्तिष्क का अर्थ मन से लगाया जाता, इसका पोमोलॉजी ने कहीं कहीं पोमोलॉजी मिल जाता ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था ठीक। साइकी का अर्थ है मन, आत्मा, व्यवहार या दोनों, क्या है ध्यान दीजिएगा। साइकी का जो अर्थ होता है ये होता है मन और इसके पहले जो आत्मा दोनों होता है, ये बात याद रखिएगा। साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा भी होता है। अगर कहीं परीक्षा प्रश्न आ जाए कि साइकी का अर्थ क्या होता है तो आप बताएंगे आत्मा और मन दोनों होता है ठीक। ये परिभाषा 1600 ईस्वी के बाद लगातार कई वर्षों तक चला, लेकिन 1700 आते आते इस परिभाषा को क्या किया दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। इसमें भी काफ़ी कमियां थी जो अरस्तु ने कि आत्मा के विज्ञान में थी। जैसे विज्ञान में क्या होता है, रूप होता है और अमूर्त होता है, लेकिन रंग, स्वाद, प्रकार, इस प्रकार से यहाँ देखने के बाद हम यहाँ पे जो कमियां नज़र आई उस आधार पे इसको भी क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो हमने ये देखा कि हमें जो यहाँ से प्रश्न बन सकते थे कि मन या मस्तिष्क विज्ञान का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले हमें मिल गया पोमोलॉजी ने किया ठीक। फिर हमने देखा मन और मस्तिष्क साइकोलॉजी में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, मन का अर्थ मस्तिष्क, मस्तिष्क का अर्थ मन से लिया जाता है। फिर देखा हमने ये साइकी और लोगस सबसे मिलकर बना था, जिसका अर्थ होता है साइकी का मतलब मन, लोगस माने अध्ययन करना। फिर हमने देखा कि साइकी माने आत्मा होता है और मन दोनों होता है ठीक। और फिर मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसको बनाया गया, इसे बनाया गया किसको, मनोविज्ञान को कहा गया। इसलिए मनोविज्ञान का अर्थ पहले प्रारंभ में किससे लिया गया, मन या मस्तिष्क के विज्ञान से, लेकिन 1700 आते आते इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिएगा, बेशक
बेधड़क, क्योंकि हम आपके लिए एक बड़ी शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये नया चेहरा, ये नया टॉपिक काफ़ी पसंद आएगा। कारण क्या है कि हम लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़ते जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतर परिणाम और रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगा। दूसरी बात सबसे है कि इस नोट्स को बनाने में जिसके हिसाब से हम पढ़ा रहे, इसमें दीपक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमें प्रयास करते हैं उनकी इस मेहनत, उनकी प्रतिभा आप सभी तक पहुँचे, सभी लोगों तक पहुँचे। तो हम भी किसी न किसी तरह उनसे जुड़े हुए हैं और आप भी हमसे जुड़िए और लोगों तक पहुँचाइए। किसी की मेहनत का फल तब मिलता है जब उसका लाभ हजारों लाखों को क्रम से एक साथ मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम तो ज्योति मैम इतना बेहतर तो नहीं पढ़ा सकते, हाँ ज्योति मैम, कीर्ति मैम और जो भी हैं, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे आपको अपना बेस्ट देने की। जब इंसान अपना बेहतर देना प्रारंभ कर देता है तो कहीं ना कहीं वो सफलता की राह पे अग्रसर हो जाता है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अपना बेस्ट देने के लिए। आप भी मेहनत करिएगा और जब आप मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो सफलता कदम हमारी जरूर चूमेगी और कदम आपकी भी जरूर चूमेगी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे चेतना का विज्ञान, चेतना या अनुभूति का विज्ञान। इसका सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग है वो विलियम वुड्स ने किया था, ठीक, विलियम वुड्स ने सबसे पहले किया था। तो चेतना का विज्ञान या चेतना अनुभूति का विज्ञान भी इसे कहते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए चाहे आपको समस्या हो जाया करे, ठीक। हमें क्या पढ़ना है, चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान? चेतना का विज्ञान दिखाई दे रहा है ना, चेतना का विज्ञान। देखिए, चेतना के विज्ञान को ही चेतना अनुभूति का विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। नहीं, कई परीक्षा में आगे कहेंगे सर कैसे आया, तो अनुभूति, चेतना और अनुभूति का विज्ञान, चेतना या अनुभूति का विज्ञान, ठीक है। अब इन शब्द का प्रयोग किसने किया था, फिर विलियम वुंड, ठीक, विलियम वुंड ने किया था। अच्छा, वर्तमान नाम इनका क्या है, कार्ल मार्क्स था, ठीक, ये कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ठीक है। अब ये क्या थे, लिमचिंग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, ठीक है, कहाँ पे, लिमचिंग विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। अच्छा, इनका समर्थन कौन कौन किया, विलियम जेम्स ने किया, ठीक, और जो जेम्स ली वाइस, इनके क्या किया, इनके जो ये शब्द था जो इन्होंने कहा था कि ये चेतना का विज्ञान या अनुभूति का विज्ञान, माने मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है या मनोविज्ञान एक अनुभूति का विज्ञान है, ये किसने कहा था, विलियम वुड्स ने कहा था, जो लिमजिंग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, ठीक। वर्तमान नाम उसका है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ठीक, उस विद्यालय का नाम क्या है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। इनका जो समर्थन किया था वो कौन किया था, विलियम जेम्स, कौन कौन किया था इसका समर्थन अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन थे, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स ने क्या किया था, इनका समर्थन किया था। ये कहाँ के थे, यूएसए के थे, कहाँ के थे, ये यूएसए के थे। इन्हें अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, इन्हें अमेरिका में यूएसए में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, याद रखिएगा, कहाँ, मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक कहाँ माना जाता है, यूएसए में, क्यों, यूएसए में क्या किया जाता है, विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। फिर इसमें है जेम्स शली, फिर इसके बाद आप जानते हैं वाइस, इन्होंने क्या किया था, इनका समर्थन किया था और उन्होंने ये बताया था कि हाँ वास्तव में यह चेतना या अनुभूति का विज्ञान है। चेतना माने मस्तिष्क का आंतरिक रूप, अभी मन या मस्तिष्क की बात हो रही थी, अब इसकी बात हो रही है, कहा मस्तिष्क एक आंतरिक रूप है, क्या है, एक आंतरिक रूप है, भावना अनुभूति संवेदना, इन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, किसका, इसका, भावना अनुभूति संवेदना, ये भी लिख लीजिएगा कि भावना अनुभूति और संवेदना, इन सभी बातों का इन्होंने जिक्र किया कि ये मस्तिष्क का आंतरिक रूप है, ठीक। अब इनके बारे में देखा जाए तो 1879 में लिपजिंग शहर में, लिपजिंग कहाँ पे है, एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय इस समय है, यह एक जर्मनी में, वर्तमान नाम क्या है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, क्या नाम है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, ठीक। अब 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला
कहाँ खोला था, इसलिए विलियम बुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक, इन्होंने क्या किया, 1879 में पहली बार मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। किसने? विलियम बुड ने। ये मिटा दे पूरा, यहाँ तक कोई समस्या आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखते हैं, इसको मिटा दे पूरा, मिटा दे तब तो समझ में आएगा। देखिए विलियम जो बुड थे, इन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था, 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था, चेतना का अध्ययन किया था। क्या किया था? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला इन्होंने खोली थी, पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला इन्होंने क्या की थी, खोली थी, प्रथम प्रयोगशाला, जिसमें इन्होंने क्या किया था, चेतना का अध्ययन किया था। क्या किया था? चेतना का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? चेतना का अध्ययन किया था, इसलिए इसे चेतना का विज्ञान या चेतना अनुभूति का विज्ञान कहते हैं। ये कहां पे थे? लिप्जिंग शहर में। लिप्जिंग कहां था? जर्मनी का शहर था। और उसका वर्तमान जो नाम है, जो विश्वविद्यालय लिप्जिंग जो विश्वविद्यालय है, उसका वर्तमान नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। ठीक, इसीलिए विलियम बुड को, इसलिए विलियम बुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। इन्हें किसका? प्रयोगात्मक किसका? मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? विलियम बुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यदि पूछ दिया जाए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, किसको माना जाता है? विलियम बुड को। क्यों माना जाता है? इन्होंने पहली बार 1879 ईस्वी में क्या किया था, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब खोली थी, 1879 में, कब खोली थी, 1879 में पहली प्रयोगशाला खोली। ठीक, जबकि अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो भारत में 1915 में पहली बार कलकत्ता में सेन गुप्त द्वारा, कहां पे? सेन गुप्त द्वारा कहां पे? कलकत्ता में। वर्तमान नाम क्या है? कोलकाता। ठीक, वर्तमान नाम क्या है? कोलकाता। पहले क्या थी? कलकत्ता में क्या किया था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोला था। किसने? सेन गुप्त ने 1915 में कलकत्ता में पहली बार मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1915 में स्थापित किया था। अगर भारत में पूछेगा तो कौन है? सेन गुप्त। और वैसे पूछेगा सबसे पहले 1879 में किसने किया था? विलियम बुड ने किया था। इसलिए इन्हें चेतना का या मनोप्रयोगशाला मनोप्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और इन्होंने इसमें अध्ययन किसका किया था? चेतना का अध्ययन किया था। इसलिए चेतना का विज्ञान या चेतने की अनुभूति का विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने दिया था, तो सबसे पहले विलियम बुड ने दिया था। यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया। चेतना मतलब मस्तिष्क का आंतरिक अध्ययन होता है, भावना, अनुभूति, संवेदना, ये सब चीज़ें आती हैं। और हमने ये देखा था कि इनका समर्थक भी किसने किया था, विलियम जेम्स ने किया था, जो क्या थे, अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जेम्स ली वाइस, इन्होंने क्या किया था, इनका समर्थन किया था। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, अब इसी क्रम में हम लोग और आगे पढ़ते रहेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिर हमने देखा अंतर्दृष्टि विधि किसने लाया था, विलियम बुड से लाया था। लिख लीजिएगा, अंतर्दृष्टि विधि किसने लिया था पहले, विलियम बुड ने लाया था। कौन लाया था? विलियम बुड ने लाया था। ठीक, विलियम बुड दर्शन शास्त्र के विचारों को भौतिक शास्त्र के निकट लाए थे। क्या किए थे? भौतिक शास्त्र के निकट लाया था। कौन? विलियम बुड। यही विलियम बुड ने क्या किया था, दर्शन शास्त्र के विचारों को भौतिक शास्त्र के निकट लाया था। ठीक, एक बात और लिख लीजिएगा, अंतर्दृष्टि विधि कौन लाया था, विलियम बुड ने। अंतर्दृष्टि लिख लीजिएगा,
अंतर्दृष्टि विधि। सबसे पहले कौन लाया था? विलियम बोंटे ने लाया था। ठीक, इन्होंने दर्शन शास्त्र के भौतिक के निकट इसको जोड़ा था। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, वरना हम हट जाते हैं। ठीक, अब फिर हम आएंगे विलियम जेम्स को पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। ठीक, इसकी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, फिर हम लोग इसके क्रम में और आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग फिर वापस विलियम जेम्स को पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक किस जगह किया कहा जाता है, या यूएसए में मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक, आते हैं विलियम जेम्स के बारे में। ठीक, विलियम जेम्स के बारे में अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था, याद है आपको? विलियम जेम्स अमेरिका के थे। ठीक, अमेरिका में नहीं, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, इन्होंने 1880 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए कहा। क्या कहा? एक स्वतंत्र विषय की चेतना का विज्ञान है, मस्तिष्क विज्ञान को लेकर इन्हें एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ने के लिए कहा। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं विलियम वुंड भी इसे स्वतंत्र विषय के बारे में कह रहे थे। और मनोविज्ञान का आधुनिक जनक, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। और इन्हें यूएसए का या अमेरिका का क्या कहा जाता है? अमेरिका का मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें माना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन है, मनोविज्ञान विलियम जेम्स है, और उन्हें 1880 में स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता किसी ने दी? विलियम वुंड ने दी थी। ठीक, तो 1900 तक आते आते इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। सन 1900 आते आते इस परिभाषा को भी क्या किया गया? अस्वीकार कर दिया गया। मतलब मस्तिष्क के दो रूप होते हैं, आंतरिक और बाह्य रूप। ठीक, और उसमें चेतना का एक लोग कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं व्यवहार का। मतलब ये दो पार्ट में थोड़े, अगर हम देखना चाहें तो देखिए, अगर मस्तिष्क की बात करें तो दो भाग हो गए, मस्तिष्क की आंतरिक, दूसरी तरफ क्या है? बाह्य। आंतरिक रूप और बाह्य रूप, आंतरिक रूप और बाह्य रूप। अब आंतरिक रूप में आ गया चेतना, और बाह्य रूप में क्या आ गया? व्यवहार आ गया। ठीक, अब व्यवहार जैसे आया तैसे नया बन गया व्यवहार का शब्द का प्रयोग। सबसे पहले किसने किया? जॉन ब्रोडम वाटसन। क्या? जॉन ब्रोडम वाटसन किसने किया? जॉन ब्रोडम वाटसन। नहीं दिख रहा है ना? जॉन, थोड़ी राइटिंग गड़बड़, इसलिए थोड़ा सा सुधार करना पड़ता है। जॉन ब्रोडम वाटसन ने सबसे पहले व्यवहार विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो हम लोग पढ़ेंगे व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि 1900 आते आते इसे चेतना के विज्ञान के रूप में जो भी मान्यता थी, जो परिभाषा थी, उसे भी पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। अब कौन आएंगे? जॉन ब्रोडम वाटसन। ठीक, इसको मिटा दे, अब हमें एक नया शब्द मिल गया। क्या मिल गया? व्यवहार का विज्ञान। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं व्यवहार का विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? व्यवहार का विज्ञान। सबसे पहले किसने किया था? जॉन ब्रोडम वाटसन ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। अब हम देखेंगे इनके समर्थन में कौन कौन आए। इनके समर्थन में बी एफ स्किनर, पावलोव, सी एल हल, विलियम वुडवर्थ, ठीक, मैकडोगल, ये सारे लोग इनके समर्थन में आए। उन्होंने ये माना कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार माने मानसिक स्थिति का बाहरी रूप, मानसिक स्थिति का बाह्य रूप व्यवहार के अंतर्गत उन्होंने कहा, जिसमें शारीरिक क्रियाएं को उन्होंने बताया, दौड़ना, चलना, मानसिक क्रियाएं, चिंतन करना, मनन करना आदि को उन्होंने बताया। इस प्रकार हमने ये देखा व्यवहार का विज्ञान किसने किया? जॉन ब्रोडम वाटसन ने कहा। और व्यवहार का तात्पर्य मानसिक स्थिति का बाह्य रूप, शारीरिक क्रियाएं जैसे दौड़ना, चलना, मानसिक क्रियाएं, चिंतन और मनन। ठीक है, ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई समस्या?
ठीक। जबकि व्यवहार शब्द को कौन लाया था? मैकडूगल लाए थे। व्यवहार शब्द कौन लाया था? मैकडूगल। व्यवहार शब्द जो था इसे लाया था मैकडूगल। कौन लाए थे याद रखिएगा? मैकडूगल। मैकडूगल क्यों लाए थे? व्यवहार शब्द को सबसे पहले लाया था। किसने लाया था? मैकडूगल ने लाया था। ठीक। अब इनका पूरा नाम क्या था? विलियम मैकडूगल। विलियम दिख रहा नहीं? इनका पूरा नाम क्या था? विलियम मैकडूगल। इन्होंने 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इनकी पुस्तक क्या थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इनकी जो पुस्तक थी की पुस्तक क्या थी? आउटलाइन। आउटलाइन एक ही मिलेगा ना, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में क्या किया? व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। कब? 1905 में। कब आई थी? 1905 में। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। ठीक। जबकि व्यवहार विज्ञान वाटसन ने, व्यवहारवाद कब से कब आया? 1912-13 में व्यवहारवाद भी आ गया। ठीक। तो 1890 से 1905 ईस्वी तक मनोविज्ञान का कोई कार्य नहीं हुआ, इस कारण इस समय को बंजर काल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1890 से लेके 1905 तक कोई कार्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई काल नहीं हुआ, इसलिए इसे बंजर काल के नाम से भी जानते हैं। बंजर काल के मनोविज्ञान में बंजर काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय कोई भी मनोवैज्ञानिक कार्य नहीं हुआ, न कोई खोज हुई, न किसी अन्य शब्द पे यानी किसी भी चीज पे कोई अन्वेषण नहीं हुआ, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? बंजर काल कहते हैं। ठीक है। जबकि व्यवहारवाद 1912 और 13 में आया था। ठीक। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा व्यवहारवाद आया था, इसे व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। व्यवहार विज्ञान किसने? वाटसन, जॉन ब्रैडम वाटसन ने। और ये व्यवहारवाद कब लाए? 1912 और 13 में। 1905 में जो व्यवहार था वो कौन लाया? मैकडूगल। 1905 में मैकडूगल व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? 1905 में मैकडूगल ने किया अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। जबकि व्यवहारवाद 1913 में कौन लाया? वाटसन। दो शब्द आया। अगर हम केवल व्यवहार शब्द पढ़ें, व्यवहार शब्द कब आया? सबसे पहले 1905 में। कौन लाया? मैकडूगल लाया। कौन लाया? मैकडूगल। मैकडूगल ने लाया। ठीक। जबकि व्यवहारवाद शब्द, व्यवहारवाद शब्द सबसे पहले कब आया? 1913 में। कौन लाया? वाटसन। कौन लाया? वाटसन लाया। सबसे पहले कौन लाया? वाटसन लाया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बातें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब विकास के क्रम में अगर कथन देखा जाए तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये विलियम वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को भी स्वीकार करता है। ये किसने कहा था? विलियम वुडवर्थ ने कहा था। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या था? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। फिर अपने मन को छोड़ा, मन का भी विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान। फिर अपनी चेतना खोई, चेतना का विज्ञान। फिर अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, ये किसने कहा था? विलियम वुडवर्थ का ये कथन है। क्योंकि ये मनोविज्ञान का जो क्रम विकास है, उस क्रम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे यह बातें साफ झलकती हुई है कि कहीं ना कहीं लगातार एक एक को अस्वीकार करते गए और नई नई विधियों का आगाज करते हुए हम लोग और आगे बढ़ रहे थे। ठीक। यहाँ तक कोई समस्या आपको? अगर मनोविज्ञान की परिभाषाओं की बात करें तो वाटसन
जो वाटसन ने कहा था, ये क्या कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध निश्चित सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है। ठीक, शुद्ध निश्चित सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है, ये किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। किसने कहा था? वाटसन। मतलब अगर इसको आपको याद करना हो तो याद कर लेंगे कैसे, वाटसन थे, वाटसन से वात आता है। ठीक, वाटसन क्या अक्षर है? चार अक्षर। वाटसन कितना है यहाँ पे देख रहे हैं? चार अक्षर। इसमें चार महत्वपूर्ण बात किया गया है, मनोविज्ञान व्यवहार का, व्यवहार तक आ गए, मनोविज्ञान व्यवहार का क्या क्या? शुद्ध निश्चित सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है, कहा था किसने? वाटसन ने। चार बातें कही, नाम क्या है? वाटसन। ठीक, यहां तक कोई समस्या? ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक। अब मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, अब व्यवहार क्या है? मानव पशु पक्षी सभी के व्यवहार होते हैं, तो इस प्रकार अब एक नए विज्ञान का जन्म हो रहा है, इसे हम व्यवहार का अध्ययन कहते हैं या व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब कुछ मनोविज्ञान की ऐसी परिभाषाएं हैं जो हम आपको अभी बता दे रहे हैं, अभी लिख भी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी को आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। ठीक, और इन सभी परिभाषाओं को हम एक दिन अलग से पूरे वीडियोज बना देंगे, वहाँ पे हम दे देंगे कि मनोविज्ञान के कौन कौन है। जैसे अगर हम वाटसन के देखें तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध निश्चित सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है, जैसा अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। फिर मैकडूवल की भाषा में देखें मनोविज्ञान की परिभाषा, तो मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का विज्ञान है। किसका? आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा था? मैकडूगल ने सबसे पहले अपनी इस परिभाषा को दिया मनोविज्ञान की परिभाषा के रूप में। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है। स्किनर क्या कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ठीक, अभी एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, जब सभी की बारे में जान लेंगे, सभी की थ्योरी को पढ़ लेंगे तो हमें और इसको याद करने में आसानी हो जाएगी। क्रो एंड क्रो के बारे में पढ़ें तो मनोविज्ञान मानव और मानव संबंधों के अध्ययन का क्या है? विज्ञान है। ठीक, उसी प्रकार अगर सेन स्ट्रोक की भाषा में पढ़ें तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन है। अगर मार्गन की भाषा में देखें तो मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। मन के अनुसार देखें, मन मन का मन मतलब नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बेशक बताइएगा। तो हमने लगभग आपको पूरा बता दिया, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, फिर उसके बारे में कई चीज़ें हैं, तो आज हम लोग प्रयास करेंगे उन चीज़ों को पूरा ख़त्म कर लेते हैं, कि थोड़ा वीडियो लंबा बेशक हो जाएगा लेकिन हमारी सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, हो सकता है यह हमारी पहली वीडियो मनोविज्ञान की है हमारे चैनल पे, इसलिए आप लोग इस पर देखिएगा, जो जो समस्या आएगी उसे आप हमें अवगत कराइएगा, फिर हम और अपना बेहतर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे? मनोविज्ञान की प्रकृति। तो मनोविज्ञान नियामक और विधायक विज्ञान है। देख लेते हैं हम लोग इसको, मिटाएं, कोई समस्या यहाँ से? कोई समस्या नहीं है ना, चलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। हमने एक नई शुरुआत की है, हो सकता है आपको बेहतर लगे, इसलिए इसे शेयर भी कर दिएगा ताकि सभी तक ये पहुंच जाए, जितने लोगों तक पहुंच जाएगा उतना बेहतर ही रहेगा। अब पढ़ेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान की प्रकृति। अच्छा, मनोविज्ञान नियामक और विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? नियामक, मनोविज्ञान क्या है? नियामक। अभी इस शब्द की हम आपको व्याख्या करते हैं, नियामक एवं विधायक, विधायक विज्ञान है, नियामक एवं विधायक विज्ञान है। अच्छा, नियामक माने विषय वस्तु कैसी हो, नियामक माने कैसी हो, विषय वस्तु कैसी हो, विषय वस्तु कैसी हो, इस विषय की व्याख्या करता है। ठीक, जबकि विधायक क्या कहता है? शिक्षा तथ्यों का ज्यों का त्यों अध्ययन करना, शिक्षा तथ्यों
शिक्षा तथ्यों तथ्यों का ज्यों का त्यों अध्ययन करना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मनोविज्ञान के प्रकृति दो प्रकार है, मनोविज्ञान नियामक और विधायक विज्ञान है। ठीक, अब इसमें नियामक क्या है, विषय वस्तु कैसी हो, विषय वस्तु कैसी हो, ये क्या है, नियामक है। अब विधायक क्या है, शिक्षा तथ्यों का ज्यों का त्यों अध्ययन करना विधायक विज्ञान कहलाता है। इसे संयुक्त रूप से भी पढ़ सकते हैं, विधायक ज्ञान कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका है, व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार किससे है, मानव पशु और पक्षी से, मानव पशु और पक्षी से क्या है, इनका व्यवहार है। अच्छा, मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है, याद रखिएगा, मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है, उसकी मनोदिशा उसके व्यवहार का अध्ययन करके भविष्यवाणी करना संभव है। मनोविज्ञान ने अपने सिद्धांत तथा नियम है, मनोविज्ञान के अपने नियम तथा क्या है, अपने सिद्धांत है, इसलिए क्या है, एक विज्ञान भी है। फिर देखते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ, वैधता, प्रामाणिकता, ये सभी इसकी विशेषता है, जो ये बात सिद्ध करता है, इसकी अपने नियम और क्या है, सिद्धांत है। ठीक, अगर हम दर्शन शास्त्र में देखें तो इसकी जनक थी, क्या थी, मनोविज्ञान जनक कौन था, दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र क्या मिला, आत्मा का विज्ञान मिला, फिर क्या मिला, मन या मस्तिष्क का विज्ञान मिला, फिर चेतना का विज्ञान मिला, फिर व्यवहार का विज्ञान मिला। मतलब ये बात को दर्शाता है कि क्या है, यह मनोविज्ञान की बढ़ती हुई क्या है, एक प्रकृति है, जो एक के बाद एक के बाद एक नई नई प्रकार के थियरीज, नए नए प्रकार के सिद्धांत हमारे सामने रखता है। इससे स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान के तरह के दृष्टिकोण से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत वैधता, प्रामाणिकता आदि पर ये आधारित है, और ये व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान समय में ये व्यवहार का विज्ञान है, जो मानव पशु पक्षी आदि का अध्ययन करता है। अगर हम मनोविज्ञान की शाखाओं की बात करें तो मनोविज्ञान बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन उससे हम लोग को पढ़ना है पशु मनोविज्ञान, एक व्यक्तित्व मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान अनेक प्रकार के हैं। ठीक, और पक्षी पशु ये सारे मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की 50 से अधिक शाखाएं हैं, मतलब जितना हम लोग जानते हैं उससे भी अधिक इसकी शाखाएं हैं। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान की नियम और सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग किया जाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थार्नडाइक को कहते हैं, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक थार्नडाइक को कहते हैं। ठीक, मानव मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान क्या है, इसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाए। ठीक, बाल मनोविज्ञान क्या है, 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन करना। एक प्रश्न छोटा सा है, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान का जनक स्टेनली हॉल है, स्टेनली, ये क्या है, ये बाल मनोविज्ञान के जनक है। कौन है ये, बाल मनोविज्ञान के जनक है। अगर किशोर मनोविज्ञान की बात करें, 13 से 18 वर्ष के बच्चों का अध्ययन करते हैं। ठीक, प्रौढ़ मनोविज्ञान, 19 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों का जो अध्ययन, मानव का अध्ययन किया जाता है, वो प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। पशु मनोविज्ञान, अच्छा, पशु मनोविज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ये तुलनात्मक मनोविज्ञान है। ठीक, इसमें पशुओं का अध्ययन किया जाता है। मानव मनोविज्ञान में समान असामान्य, पशु में सामान्य और असामान्य, ठीक, तुलना करना, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, इसका केंद्र बिंदु कौन है, मानव है। हमें जानते हैं कि सभी विषयों को, चाहे हम पर्यावरण में पढ़े, चाहे विज्ञान में पढ़े, चाहे साइंस में पढ़े, कहीं ना कहीं सभी विज्ञानों का जो केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं मानव ही है। ठीक है, उसके अंतर संबंधों का अध्ययन ही करते हैं हम लोग। ठीक, परमाणु विज्ञान अतिकेंद्र का, आत्मा परमात्मा बोध का अध्ययन करता है। ठीक, कौन सा, परमाणु विज्ञान, ये अंतरिद्रिय आत्मा परमात्मा भूतों का अध्ययन इसे में किया जाता है। ठीक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोग संभव है, ये तो आप जानते ही हैं। 1879 में जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, ये भी हमने आपको बताया। ठीक, इसकी विलियम वुंट इसके जनक हैं। तो इस प्रकार हमने मनोविज्ञान का पूरी तरह से आपको बता दिया। हम इसके नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे, यदि आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए आपका मोस्ट वेलकम है। उसके लिए आप 6306344367 या 7355 179012 पर
कॉल करके टेलीग्राम करके जानकारी ले सकते हैं। अच्छा हाँ, आप लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, और ई लर्निंग विद दुर्गेश से ज्वाइन करिएगा। फिर हमारे फेसबुक पेज से ई लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन करिएगा और आप हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यह हमारी मनोविज्ञान की पहली वीडियो थी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर बेहतर लगे शेयर सभी को कर दीजिएगा, क्योंकि इसे बनाते समय हमने कई बातों का विशेष ख्याल रखा है जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इसे साथ ही साथ अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो समस्याएं नहीं होंगी। यदि आपको लगता है हमारी स्पीड पढ़ाते समय ज्यादा है तो यूट्यूब इसमें ऑप्शन देता है स्पीड जाइएगा, नॉर्मल की जगह आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, 0.75 कर लीजिएगा, हो सकता है स्पीड आपको कम मिल जाए। तो ठीक है, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और इतना देर तक देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।